चंद्र राशि मिथुन का मासिक राशिफल सितंबर 2024 स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है उसकी वजह ये होगी कि आपकी राशि स्वामी बुद्ध महाराज तो अच्छी स्थिति में रहेंगे जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव उसके बाद चार तारीख से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तथा तेईस सितंबर से बुद्ध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे उन पर राहु मंगल और बृहस्पति की दृष्टियाँ होगी इस कारण से राशि स्वामी महीने के उत्तरार्ध में पीड़ित हो सकते हैं तथा आपकी राशि में उग्र ग्रह और आपके छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं आपको त्वचा संबंधित समस्याएं या रक्तचाप से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी का समय पर उपचार करें अच्छा भोजन करें अच्छे दिनचर्या अपनाएं इससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है करिया करिया के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे जैसे हर काम को आप नई शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे कभी कभी तो यह चीज आपको सफलता देगी लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कटु ना बोले तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं दशम भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश जाना भी संभव हो सकता है आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञा रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे जिससे कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है मंगल महाराज के प्रथम भाव से बैठकर सप्तम भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थितियों को जन्म दे सकता है नवम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे आपके रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होंगी जिससे आपको धीरे धीरे करियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में तो आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु महाराज भी होंगे तथा मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी उसी पर होगी जिससे आप अपने प्रियतम से तरह तरह की बातें करेंगे उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में पंचम भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी आप दोनों के बीच आपसी समन्वय बेहतर होगा अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सजग और सचेत होंगे और इसके भविष्य को तलाशेंगे विवाहित जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दे तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं एक दूसरे से कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज्यादा उग्र होकर और गुस्से से बात करेंगे जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं आपको इसमें उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए समय निकालकर उनसे उनके मन की भी बात करें क्रोध को नियंत्रण में रखें मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं सलाह आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अपने राशि स्वामी श्री बुद्ध देव के बीज मंत्र का नियमित जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माँ महालक्ष्मी के किसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं लेकिन वृक्ष से दूर रखें सामान्य यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है लेकिन इस महीने आपके खर्च बड़े हुए ही रहेंगे इस बात का आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही अपने धन को किस तरह से इस्तेमाल करना है इस पर आपको ध्यान देना होगा अन्यथा आपको चुनौतियां परेशान कर सकती हैं स्वास्थ्य पर भी आवश्यकता पड़ेगी कि आप ध्यान दें और बाहर का भोजन करने से परहेज करें नौकरी के मामले में आप चतुराई तो दिखाएंगे लेकिन कभी कभी ज्यादा चतुराई दिखाना नुकसानदायक हो जाता है इसलिए आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना कर सके व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना सामान्य रहेगा व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे लेकिन कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं विदेशी माध्यमों से धन का आगमन हो सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है वैवाहिक संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपकी उग्रता आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकती है इसलिए आपको पूरी सावधानी दिखानी होगी विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मध्यम रहेगा लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने कल को बेहतर बना पाएंगे या नहीं अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं यह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी फिर भी प्रेम बना रहेगा और एक परिवार के लिए यह बेहद आवश्यक भी है इसलिए आपको अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे वित यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो तो आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे जो आपके खर्च कराएंगे लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों पर और आवश्यक कार्य पर होंगे कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं इसलिए आपको संतुष्टि ही देंगे महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे तो शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से एकादश भाव को भी देखेंगे जिससे लगातार आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपकी आर्थिक चुनौतियाँ कम होगी आपके राशि स्वामी बुद्ध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे इस महीने आपको नई संपत्ति कोई वाहन या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं व्यापार में भी विदेशी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे और आप चाहे तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं मित्र एवं परिवार यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल के साथ आपसी प्रेम को बढ़ाए रखेगा दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुद्ध महाराज विराजमान रहेंगे जो आपके परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह आप ही होंगे जो अपने परिवार को संभालना चाहेंगे इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी और आप अपने रिश्तों को लेकर सजग रहेंगे परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे लेकिन बीच बीच में आपका क्रोधी स्वभाव अर्चन बन सकता है इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ़ रखकर अपने परिवार की बेहतरी के बारे में विचार करें चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी इसलिए बीच बीच में कुछ परेशानियों के बावजूद धीरे धीरे स्थितियाँ संभल सकती हैं आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए चौथे भाव के स्वामी बुद्ध महाराज के महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में और तेईस सितंबर से चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल फिर से जगमगा उठेगा और आप सभी प्रसन्नचित नजर आएंगे भाई बहन आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे यदि वे किसी सरकारी सेवा में है तो ये समय उनकी उन्नति का समय होगा और इससे घर में भी खुशी का माहौल बनेगा घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें अनेक अतिथियों के आगमन से घर में रौनक लगी रहेगी और आप सभी खुश रहेंगे